नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। सरीला क्षेत्र के भेणी डाडा गांव में खंड शिक्षा अधिकारी विनय विश्वकर्मा ने विद्यालयों का निरीक्षण कर खामियां मिलने पर नाराजगी जताई। भेणी डाडा ग्राम में 3 प्राथमिक व 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। सर्वप्रथम नवीन प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। नवीन में शैक्षिक स्तर कम पाए जाने से अध्यापकों को चेतावनी देते हुए शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के निर्देश दिए। वहीं कन्या प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण में 129 बच्चों के सापेक्ष बच्चों की कम उपस्थिति में अधिकारी नाराज हुए तथा कन्या विद्यालय में अभी तक रंगाई व लिखाई ही नहीं हुई है व अभी तक सही से विद्यालय की पोताई तक नहीं हुई है। शैक्षिक स्तर कम होने पर कार्रवाई के लिए अधिकारी ने निर्देश दिए। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह में सुधार नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण में साफ सफाई, बच्चों की उपस्थिति व शैक्षिक स्तर अच्छा पाए जाने से विद्यालय के प्रधानाध्यापक संतराम यादव, दिनेश सिंह को शाबाशी दी गई। इंडिया खबर लाइव के लिए हमीरपुर से पंकज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम सभा भेणी डांडा में कुल 4 विद्यालय हैं, 3 प्राथमिक हैं, 1 जूनियर है। सबसे पहले मैं नवीन प्राथमिक विद्यालय गया था, जहां पर कुछ कमियां पाई गई हैं, जिनके लिए प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहां के बच्चों का शैक्षिक स्तर भी कम ठीक था और प्रधानाध्यापक का जो विद्यालय व्यवस्था का कार्य है वो भी अच्छा नहीं पाया गया। कन्या प्राथमिक विद्यालय में कुछ अवशेष कार्य थे जिनको पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से जूनियर विद्यालय में कुछ रंगाई पुताई से संबंधित कार्य कुछ अपेक्षित हैं, अभी पूर्ण नहीं हो पाए हैं, जिनको कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही ये काम पूर्ण करा करके दोनों विद्यालयों के अध्यापक मुझे इस पर लिखित रूप से अवगत कराएंगे। प्राथमिक विद्यालय भेणी डांडा का स्तर, शैक्षिक स्तर भी अच्छा पाया गया, भौतिक स्तर भी अच्छा है, विद्यालय साफ सुथरा मिला और वहाँ के अध्यापक भी अपने कार्यों को करते हुए पाए गए।